हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स और हम बात करेंगे एरर्स की जो हम आर्टिकल में कॉमनली देखते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, आर्टिकल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक पार्ट होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम किसी चीज को विशेष तौर पे इंगित करना चाहें, दिखाना चाहें, उस केस में आप आर्टिकल्स को यूज करते हैं। दिस वीडियो इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर जेसी कैंपस एंड इट इज मेड बाय हिमांशु शर्मा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। देखिए, इसका नाम इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट आर्टिकल को इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जिसके बारे में बात करता है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक रफ आइडिया या एक वेग आइडिया हमें देता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि कहाँ पे एन का यूज करना है और कहाँ पे ए का यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एन का यूज करेंगे उन शब्दों के साथ जो एक वॉवल साउंड से बिगिन करते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में वॉवेल नहीं होता, पर हम उस केस में भी यूज करते हैं आर्टिकल एन को। एग्जाम्पल देखते हैं, द इंग्लिश वर आ एनिमी। इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ई आ रखा है और साउंड भी हमारा ई का है, तो यहाँ पे सही होगा द इंग्लिश वर एन एनिमी ऑफ द फ्रेंच। इसी तरह से आपको एन एम पी यूज करना चाहिए, एन एम एल ए यूज करना चाहिए, क्योंकि एम में वाई यू का साउंड आ रहा है, यानी कि यू का साउंड आ रहा है। तो इस केस में आपको एन एम पी और आ यूनिवर्सिटी यूज करना है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर शुरुआत में वोवेल हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, साउंड वोवेल का होना चाहिए, उस केस में आप आर्टिकल एन यूज करेंगे। नाउ बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ पे यूज करना है। पहला तो है उसके ओरिजिनल सेंस ऑफ वन। हमेशा याद रखिए, सिंगुलर के साथ में ही आपका आर्टिकल ए और एन लगता है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन द मीटर। अब द मीटर का मतलब कोई विशेष मीटर, पर हम विशेष मीटर की बात नहीं कर रहे, मीटर के बारे में जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन अ मीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब हम किसी सिंगल यूनिट के बारे में बात करें तो आपको आर्टिकल ए और एन यूज करना चाहिए। एक सेंस ऑफ अ सर्टन, मैंने कहा आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल। अब इतना तो कन्फर्म है, मैंने बुक देखी थी, ये कंफर्म है बुक देखी। कौन सी बुक, क्या, वो मुझे नहीं पता, बट आई सॉ अ बुक। आई मेट विद अ बॉय, एक लड़के से मिला, कौन था, क्या था, कैसा था, वो कुछ नहीं पता, बट इतना कंफर्म था कि ही वॉज अ बॉय। तो इन अ वेग सेंस ऑफ सर्टेन। अब इसमें ध्यान रखिए, ईच एवरी या पर, जैसे हम कहते हैं इस चीज को आप रोज करिएगा, हर रोज करिएगा, या हर एक को करना है, तो उस सेंस में भी हम आ को यूज करते हैं। जैसे कि द डॉक्टर सेड टेक द पिल ट्वाइस आ डे, तो यहां पे होना चाहिए। आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इस केस में भी आपने आर्टिकल एन को यूज किया है यहाँ पे। तो डेली किसी चीज को ईच या एवरी के सेंस में भी आप आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। इन केस ऑफ एनी, कोई भी किसी एक इंडिविजुअल को, जब हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अ कंप्यूटर सेव्स टाइम, अ काओ आपने सुना ही होगा इज अ यूजफुल एनिमल, तो इस केस में आपको क्या करना है, आर्टिकल ए और एन को यूज करना है जब हम एक इंडिविजुअल से पूरी उसकी जाति के बारे में, पूरी उसकी क्लास के बारे में बात करें, तब आर्टिकल ए और एन को यूज करना है। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करना है, जब हम किसी ऐसे विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर मतलब विशेष, यानी जो किसी कारण से विशेष है, जिसे हम मेंशन करना चाहते हैं, व्यक्ति या चीज या किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में पहले से ही बात चल रही है। जैसे कि ही हैज बीन कॉजिंग ट्रबल सिंस अ डे ही केम। अब अ डे मतलब एक दिन, एक दिन नहीं, वो विशेष दिन जब वो आया था, तो यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए द डे। ठीक है, आई रिमेम्बर द डे आई मेट यू, तो इस केस में क्या होगा, द डे आया क्योंकि वो दिन जब मैं आपसे मिला था।
अगर सिंगुलर नाउन से फिर हम किसी पूरी क्लास के बारे में बात करें तो आर्टिकल दा यूज करना है, जैसे उस टाइम किसी में हमने आ यूज किया था या एन यूज किया था, तो हम दा को भी यूज कर सकते हैं। द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, यानी एक एलिफेंट नहीं सभी एलिमेंट। पर जब हम किसी मनुष्य मैन या वेमेन को यूज करते हैं उसके जनरल सेंस में कुछ इस तरह की चीज बनाने के लिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। जैसे ऑल द मैन मस्ट डाई नहीं होना चाहिए, ऑल मैन मस्ट डाई, मतलब मैं एक व्यक्ति की, जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, तो अगर मैं यहां पे बोलता अ मैन इज मॉर्टल वो इनकरेक्ट हो जाता, अ मैन इज मॉर्टल विल बी इनकरेक्ट, मैन इज मॉर्टल। अब कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि गल्फ का नाम, किसी भी गल्फ का नाम हो, रिवर का नाम हो आपका, सी या ओशियन का नाम हो, या फिर किसी माउंटेन रेंज का नाम हो, तो उनसे पहले आर्टिकल दा को आपने लगाना है। रिलीजियस और मैथोलॉजिकल बुक्स अगर हो तो उनसे पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना है, जैसे द स्टोरी इज देयर इन बाइबल, गलत, द स्टोरी इज देयर इन द बाइबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर इस तरह की बुक्स से पहले उनके राइटर का, ऑथर का नाम हो, तो आपको आर्टिकल दा यूज नहीं करना। जैसे मैं बोलूंगा द वाल्मीकि रामायण, द शेक्सपियर्स नॉवल, ठीक है? तो इस सेंस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी बुक से पहले उसके राइटर का नाम हो तो आर्टिकल दा यूज नहीं करना। अब कॉमन नाउन से पहले भी यूज करना है, पर जो यूनिक हो अपने आप में, क्या हो यूनिक, जैसे कि सन, अर्थ, कोई जगह की डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन, इनसे पहले भी आप आर्टिकल दा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये कॉमन नाउन है पर अपने आप में यूनिक भी है, अपने आप में सिंगल भी है। अगर मैं किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा लगाऊं तो वो एब्सेक्ट नाउन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द डेविल इन हिम बिगेन्स हिज मिसडीड्स नाउ एंड देन, अब उसके अंदर शैतान है, अरे ये कैसी बात हुई, उसके अंदर शैतान है से मतलब ये हुआ कि वो शैतान है, यानी डेविल जो यहाँ पे एक शब्द है, वैसे तो डेविल कॉमन नाउन है, कोई भी शैतान, बट द डेविल का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके अंदर छुपा हुआ शैतान जिसे आई कैन नॉट टच, आई कैन नॉट परसीव। तो कॉमन नाउन से पहले अगर मैं आर्टिकल द लगाऊं तो इट बिकम्स अन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सुपरलेटिव और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब जो वर्ड हमें ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि देखिए दे वॉन द मैच इन 40th ओवर, इनकरेक्ट, द 40th, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, हमेशा ऑर्डिनल और सुपरलेटिव, द बेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इन सबसे पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करना है। जैसे कुमार इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ये द बेस्ट आ रखा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द यूज करना है। अमजद अली खान प्लेज द सरोद, आई लिसन द तबला ऑफ मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको आर्टिकल द यूज करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका नाउन अंडरस्टूड होता है, जैसे मैंने कहा द रिच एंड द पुअर। अब यहाँ पे द रिच और द पुअर का मतलब है द रिच पीपल, द पुअर पीपल, तो यहाँ पे मैंने नाउन लगाया नहीं, बट वो नाउन क्या है अपने आप में अंडरस्टूड है, उस नाउन को हम समझे हुए हैं। तो इस केस में भी आपने उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देना है, जैसे लेट अस एंटर द वर्ल्ड ऑफ द ब्यूटीफुल एंड द बोल्ड, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल मतलब द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल पीपल पर्सन, तो यहाँ पे आपने नाउन यूज नहीं करा बट आपने एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द को यूज किया है। अब तक हमने देखा कि कहां पे आर्टिकल्स को आपने यूज करना है, अब हम देखते हैं कहां पे आर्टिकल्स को ओमिट करना है, ओमिशन करना है, कहां पे आर्टिकल को यूज नहीं करना और जहां हम गलत यूज करते हैं। देखिए कॉमन नाउन से पहले आपने आर्टिकल यूज नहीं करना जब हम उसके वाइडेस्ट सेंस या जनरल सेंस में बात करें, जब हम किसी कॉमन नाउन के बारे में जनरल सेंस में बात करते हैं आपको आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे द साइंस हैज डेवलप्ड मच इन द पास्ट 100 ईयर्स, अरे भाई कौन सी साइंस, साइंस तो क्या है एक कॉमन नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइंस हैज डेवलप्ड मच इन द पास्ट 100 ईयर्स। सिमिलरली अगर मेरे पास आया है वर्ड फ्रेज काइंड ऑफ और उसके बाद काइंड ऑफ के बाद एक नाउन आ रखा है, तो
तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगना। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ हॉबी इज दिस, गलत। व्हाट काइंड ऑफ हॉबी इज दिस, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ये ठीक है। बट अगर मैं कहता व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को, काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं यूज करना। मटेरियल नाउन से पहले या मटेरियल के नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना। एन आयरन, भैया सिंगुलर होता, काउंटेबल होता, तब मैं यूज करता ना। अब मटेरियल तो अनकाउंटेबल होता है ना। अब जब मटेरियल अनकाउंटेबल है, तो आप उससे पहले काउंटेबल के रूल कैसे लगा सकते हैं? तो एन आयरन गलत हो जाएगा। आयरन इज अ यूजफुल मैटर। आपने बोला आई वॉन्ट अ वॉटर, अरे भाई ये कैसे हो गया? आई वॉन्ट अ वॉटर ना, आई वॉन्ट द वॉटर अगर मैं बोलूं तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? आई वॉन्ट द वॉटर ऑफ द गंगा, तो अब क्लियर हो गया कि पानी चाहिए। कहाँ का पानी? गंगा का पानी। पर यूजुअली अगर हम मटेरियल नाउन को उनके जनरल सेंस में यूज करें, किसी चीज को स्पेसिफाई ना करते हुए, तो उनसे पहले आर्टिकल को यूज नहीं करना। और ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। बट कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, जैसे द यूएसए, द नीदरलैंड, इनसे पहले आपको आर्टिकल यूज करना चाहिए। पर जनरली प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, जब वो जनरल सेंस में यूज होते हैं। देखिए एग्जांपल, द स्ट्रेंथ इज व्हाट मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। अब मैंने द स्ट्रेंथ लगा दिया, तो इसका मतलब है कोई विशेष स्ट्रेंथ, जबकि मैं यहाँ स्ट्रेंथ के बारे में एक कॉमन बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे द स्ट्रेंथ की जगह क्या आना चाहिए? स्ट्रेंथ इज व्हाट मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन विदाउट आर्टिकल। अच्छा, किसी के रिलेशंस के बारे में अगर बात हो, तो रिलेशन के नाम से पहले भी यूजुअली आर्टिकल नहीं लगता। मैंने बोला मदर वुड लाइक टू सी यू, यानी कि ऑब्वियसली बात है, उस जो बोलने वाला व्यक्ति उसकी मदर। पर मैंने कहा दा मदर वुड लाइक टू सी यू, यानी कि समवन एल्स मदर, किसी और की मदर जिसको मैं रेफर कर रहा हूं। तो हर चीज में इंपॉर्टेंट होता है सेंस को समझना। आपको आर्टिकल दा लगाना भी है, नहीं भी लगाना, ए और एन लगाना भी है, नहीं भी लगाना, आपको उसके लिए सेंस समझना पड़ेगा। आर्टिकल दा तब यूज होगा जब आप किसी डेफिनेट चीज के बारे में बात करेंगे, और ए और एन का यूज तब होगा जब आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली प्रेडिकेटिव नाउन्स के साथ यूज होता है, डिनोटिंग अ पोजिशन दैट इज नॉर्मली हेड एट वंस बाय वन पर्सन ओनली। इसको समझने के लिए आप जरा इस बात को समझिए कि अब मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री। भैया इंडिया में एक ही तो प्रेसिडेंट होता है ना। अब जब एक ही प्रेसिडेंट होता है, तो उस केस में मुझे आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही आदमी है ना जो उस पोजीशन को होल्ड करता है। तो क्या होगा? अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉट द प्रेसिडेंट। तो ऐसी कोई पोस्ट जो एक टाइम पे एक ही व्यक्ति द्वारा होल्ड की जाती है, उससे पहले आर्टिकल दा यूज नहीं करिए। अब बात आती है कि आर्टिकल का रिपीटिशन भी तो होता है, तो उस केस में आप याद रखिए, ध्यान रखिए, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग द सेम नाउन, जब दो एडजेक्टिव या दो से अधिक एडजेक्टिव एक सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं, तो पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, द प्रेजिडेंट अंडरस्टूड द नीड फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड अ रियलिस्टिक डायलॉग। अब जो डायलॉग है ना जी, वही रियलिस्टिक भी होना चाहिए और वही कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, तो आर्टिकल दो बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए द प्रेसिडेंट अंडरस्कोर द नीड फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड रियलिस्टिक डायलॉग ऑफ इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट। हमेशा ध्यान रखिए, दो एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करें, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक नाउन को मॉडिफाई करें, तो आर्टिकल हमेशा फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले लगना चाहिए। सिमिलरली जब दो या दो से अधिक कनेक्टेड नाउन हमारे पास हैं और वो डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट थिंग्स को रेफर करें, तो आर्टिकल दोनों से पहले यूज होगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, द मैनेजर एंड द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, इसका मतलब हुआ मैनेजर एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता, द मैनेजर एंड असिस्टेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, तो इस केस में आप ये ध्यान रखिएगा यहां मैनेजर और असिस्टेंट एक ही व्यक्ति है। तो आर्टिकल को रिपीट तब कीजिए जब आप दो सेपरेट एंटिटीज के बारे में बात करें, अदरवाइज डोंट रिपीट आर्टिकल। सिमिलरली एग्जांपल से ही क्लियर हो जाता है,
माई अंकल इज द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ हिरवानी ग्रुप। अब भाई जो मेरे अंकल है वही चेयरमैन है, जो अंकल है वही एमडी है, तो यहाँ पे माई अंकल इज द चेयरमैन एंड एमडी होगा, माई अंकल इज द चेयरमैन एंड द एमडी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अंकल है जो दो पोस्ट को एक टाइम पे होल्ड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति में अब हम बात कर रहे हैं दो चीजों के बारे में। मैंने कहा राम इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, क्योंकि राम जो है रोहन है वही बैट्समैन है और वही बॉलर है, पर वो बेटर क्या है, बैट्समैन है, तो मुझे यहाँ पे रोहन इज अ बेटर बैट्समैन देन बॉलर यूज करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द सेम थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर द कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर। दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो जिसमें आपको इस चीजों के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, बाकी प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। बट दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।